व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल शैक्षिक पटल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मगर संक्रांति पर्व पर तिल समान हम सभी के मन स्नेहमय हो, गुड़ समान हमारे शब्दों में मिठास हो और गुड़ के लड्डू में तिल के समान हम घनिष्ठ हों, यही भगवान सूर्य से प्रार्थना है। जैसे मकर राशि में सूर्य का तेज बढ़ता है, उसी तरह आपके स्वास्थ्य और समृद्धि की हम कामना करते हैं। शुभ मकर संक्रांति। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। 2022 में 14 जनवरी को खिचड़ी यानी मकर संक्रांति मनाई जा रही है। अधिकांशतः हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इसी दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। कर्नाटक, केरल, आंध्रा में इसे संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जानते हैं। इसी दिन गंगा नदी के किनारे माघ मेला का आयोजन भी किया जाता है। कुंभ के पहले स्नान की शुरुआत भी इसी दिन होती है। राशि बदलने के साथ मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर प्रवेश करते हैं। गंगा जी इसी दिन गंगा सागर में मिली थी। हुगली नदी पर गंगा सागर मेले का आयोजन आज के दिन किया जाता है और इस दिन स्नान का बड़ा महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश आदि शक्ति का पर्व है। इसके साथ ही सूर्य भगवान की उपासना का पर्व है। माँ गंगा में स्नान कर जीवन नव ऊर्जा से भर जाता है, वह जीवन में नव उत्साह आ जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही खरमास की समाप्ति और शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जो लोग गंगा में स्नान नहीं कर पाते हैं, वे गंगा जल ही घर में स्नान के पानी में डालकर स्नान कर लेते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान व स्नान का बहुत महत्व है। गुड़, तिल, कंबल आदि का दान बहुत फलदायी है। हमारे यहाँ इस दिन खिचड़ी छूते हैं, चावल में उड़द की दाल, तिल के लड्डू, गुड़, रेवड़ी, मूंगफली, फल, कुछ धन मिलाकर उसे छुआ जाता है और परिवार का हर सदस्य अलग अलग छूकर दान देता है। उड़द दाल, देसी घी, चावल की खिचड़ी बनाकर मिलाकर खाया जाता है। समर्थ लोग भंडारा भी करते हैं खिचड़ी का। पतंग उत्सव का भी आयोजन इसी दिन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति से 3 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। तमिलनाडु के किसानों में ये प्रमुख पोंगल के नाम से मनाया जाता है। गजक, तिल का लड्डू खाया हुआ दान दिया जाता है। असम में भोगली बिहू के नाम से जाना जाता है। आप सभी को इस मकर संक्रांति की बहुत सी शुभकामनाएं। शैक्षिक पटल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। नमस्कार।